जय हिंद दोस्तों, एयर विक्रम कार्पोरल मोहन अभिनंदन चेन्नई से। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ लोग भागना स्टार्ट कर दिया। आज के वीडियो देखने के बाद और भागेंगे, और जितने लोग भागते हैं उतने अच्छा ही है मेरे लिए, हेडेक कम हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है ORP 3। ORP 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा भगवान जाने, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी दिया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड। मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके डाला है। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, जस्टिस डिलेड का मतलब है, जस्टिस हरीड का मतलब भी उसने डाला है, यानी कि जल्दबाजी में अगर कोई भी फैसला देंगे तो जवानों के लिए नुकसान पैदा हो जाए करेगा वो। रक्षा मंत्री जी, आपको सलाम। आपने इनडायरेक्टली आपने तो बोल ही दिया कि जजमेंट जल्दी नहीं देना। और ये मामला क्या है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे जो जवान है ये वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात करेंगे या कुछ और बात करेंगे। और जिस तरह ये अग्निवीर बाकी सिस्टम आया वैसे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी जो मामला कुछ और हो गया था। दोस्तों, AFT चंडीगढ़ से जो है, AFT चंडीगढ़ का जो जज साहब है उसको उसका ट्रांसफर हो गया था AFT कलकत्ता में। और हमारे जितने भी जो है AFT का जो वकील है उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, क्योंकि जो मतलब जिस जज साहब को जो ट्रांसफर किया था, क्यों ट्रांसफर किया उसका कोई रीजन ही नहीं था। लेकिन हमारे जो है रक्षा मंत्री ने खुद ही बोला कि डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, उन्होंने ये इस ट्रांसफर के बारे में एडमिट किया कि मुझे मालूम है। अब ये जो केस चला गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंचेस की जज, ऑनरेबल जज साहब जो है चंद्रचूड़ की, इसमें 3 जजेस का बेंच बैठ गया। सबसे पहला काम यह किया कि जो ट्रांसफर जो ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया। बस जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगा तब तक वो जज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये जज को ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं FT चंडीगढ़ से, इसका वजह है, वजह क्या है कि जो भी केस FT चंडीगढ़ में लोग डालते हैं, चाहे वो रिजर्विस्ट का केस हो या ऑनरी नैप सुविधा की फैमिली पेंशन का केस हो या कोई भी मतलब जवानों के जो जो भी जस्टिफाइड जो भी केस होता है, जायज केस जो भी है, जल्दी उसका जो है जजमेंट भी आ जाता है। अगर जजमेंट जल्दी अगर नहीं, मतलब जजमेंट का जो है जो फैसला जो आता है उस फैसला के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहां तक कि जो है पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर दिया। इससे जो है कुछ लोगों को जो है तकलीफ होने लगा मिनिस्ट्री में। तो इन लोगों की जो कारनामा अभी स्टार्ट हुआ, और अगर जज साहब को अगर ट्रांसफर कर देंगे अपने हिसाब से कोई जज डालेंगे, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ये कहानी था। और इसमें जो है हमारे जो इस ट्रांसफर में हमारे रक्षा मंत्री के भी हाथ है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है कि जज ट्रांसफर हो रहा, लेकिन हमारे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको हम दया दिल से सल्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने स्टे दे दिया और ये ऑर्डर भी पास हो गया कि ये कंटिन्यू करेगा एएफटी चंडीगढ़ में। यहां तक कि जो है बाकी एएफटी से बाकी जितने भी एएफटी है वहां से भी जो है इनको सपोर्ट में सब उतर गए। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि एएफटी चंडीगढ़ में सारे वकील जो है धरने में बैठ गए और उन लोगों ने ये केस ऊपर लेके गया। दोस्तों इसी को बोलते हैं एकता की ताकत। उनके बीच में भी भेदभाव है, जो वहां का जो वकील है उनके बीच में भी भेदभाव है, लेकिन कानून की सहारा चाहिए तो वो एक साथ हो गया। लेकिन हमारे में ये नहीं है ना, हमारे में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। दोस्तों इसके बारे में आज मैं भी सोच रहा था कि तीन दिन से कुछ भी कोई ना कोई डालेगा, कोई ये नहीं डाल रहे हैं। डिसेबिलिटी के बारे में कोई डालता, कोई उसके बारे में कमेंट डालता, या वॉर ओपी के बारे में, वॉर ओपी आज कोर्ट में क्या हुआ, अरे वॉर ओपी जाए बाढ़ में, वॉर ओपी थ्री भी नहीं मिलेगा, वॉर ओपी टू में जो भी विशेषज्ञ है वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि जो जिस ढंग से काम चल रहा है ना, जिस मीटिंग में हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये बताया कि ना बोलना भी सीखो, ये जरूरी नहीं है कि हर काम जो है जल्दी हो जाएगा, जितना देरी कर सकते हो उतना देरी करो ताकि उसमें फायदा मिलेगा। फायदा किसको मिलेगा? दोस्तों अभी रिजर्विस्ट का जो है चंडीगढ़ एएफटी चंडीगढ़ से जो भी रिजर्विस्ट का केस गया सबको जो है 11,420 देने का ऑर्डर आ गया। अब जो है गवर्नमेंट नहीं दे रहा, वो जो मतलब एएफटी में जाता उन्हीं को दे दो, अब वो भी बंद कर दिया। अब एएफटी चंडीगढ़ से जो है ऑनरी नैम सूबेदार के फैमिली पेंशनर्स को जो मतलब जो ऑनरी नैम सूबेदार 2006 से पहले जिन लोग का मौत हुआ उसके फैमिली को अरियस नहीं मिला, और वो एएफटी चंडीगढ़ से वो मतलब वो जजमेंट उसके एएफटी चंडीगढ़ का जजमेंट है, और उस जजमेंट के हिसाब से सबको जो है 1,44,000 रुपए अरियर मिल रहा है, अब वो भी बंद कर दिया। यानी कि रिजर्विस्ट हो या ऑनरी नैम सूबेदार की फैमिली पेंशनर्स को और ऑनरी नैम मतलब सारे के सारे रास्ता बंद करते जा रहे हैं जवानों के लिए। दोस्तों हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने यही कहा, ना बोलना भी सीखो। दोस्तों अभी हमें भी है ना ना बोलना सीखना पड़ेगा ना। अब 5 स्टेट में चुनाव, जहां भी हमारे रक्षा मंत्री जी अभी जाएंगे वो यही कहेंगे कि हमने वार ओपी में 70,000 करोड़ दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे जवानों के लिए हम इस सरकार ने जो पिछले सरकार ने 50 साल में जो नहीं कर पाया हमने करके दिखाया, हमने 70,000 करोड़ दिया, यही डायलॉग बाजी चलेगा। वहां पे आपको सबको पूछना है, खड़े होके पूछो कि 70,000 किसको दिया, यानी कि 70,000 सिर्फ नहीं 70,000 करोड़, ये 70,000 करोड़ किसको दिया, अभी हम भी पूछेंगे। दोस्तों ये है ना पुराने टाइम में, मैं अभी क्या नहीं बताऊंगा, पुराने टाइम में क्या है अंग्रेज के टाइम में और उसके बाद के टाइम में फौजी को इतना काम दे दो सुबह से रात तक वो मतलब इधर उधर नहीं देख सकता, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद 2 पैक दारू पिला दो वो सो जाएगा। लेकिन आज वो जमाना निकल गया, अब फौजी भी देख रहा है हमारे साथ क्या हो रहा करके, और जो भूतपूर्व सैनिक हमारे जैसे एक्स सर्विसमैन हम भी देख रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ, अब क्या हो रहा, आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीज हम भी देख रहे हैं, हम भी समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो जो है ना आप लोग, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा है आज आपको, जो है बल्ले बल्ले की खबर, 15,000 मिलेगा 10,000 मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा,
आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कोर्ट से भी अभी हमारी उम्मीद कम पड़ रहा, क्योंकि अभी जब तक कुछ हमारे माननीय जज साहब कुछ लोग हैं तब तक हमारे लिए न्याय मिल सकता है, उनके जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने। आप लोगों को पता होगा कि एक हमारे इलेक्शन कमिश्नर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेस्पेक्टेड टीएन सेशन सर, जिन्होंने ये लोगों को बताया और लोगों को ये दिखाया कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के पास कितने ताकत है और कहां तक वो मतलब लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं, यानी कि न्याय के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो रोज खबर पढ़ते हैं क्या क्या हो रहा है, और गोदी मीडिया जो है आधा से 90% तो गोदी मीडिया जो है कोई मतलब न्यूज तो देता नहीं है, और जितना मिलता है सोशल मीडिया से हमें मालूम पड़ रहा है क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। दोस्तों आप कोई मिलना कुछ नहीं है, चाहे वो आप किसी भी कोर्ट में जाओ, क्योंकि अभी जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड, यहां पे जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस बरीड, यानी कि दफना गया, दफना दिया। हमारे लिए जस्टिस अभी कोई जस्टिस नहीं है इस दुनिया में, भगवान भी नहीं बचा सकता हमें अगर आप इस तरह लड़ते रहेंगे एक दूसरे के बीच में। अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है, अभी वक्त है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना यह बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ गद्दार है हमारे बीच में, इन गद्दारों की वजह से हमारे बीच में एकता टूट गया, लेकिन गद्दारों को मारो जूते से, गद्दारों को, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ आज मेरा जो है सब्सक्राइबर 4270 है और कल तक ये हो जाएगा 4260, क्योंकि हमारे जो है मेरा वीडियो जितने भी है ये बल्ले बल्ले न्यूज नहीं देता, इसलिए लोग भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आपको जो है टेबल बनाने वाला और गुमराह करने वाला जरूर उन्हीं की जरूरत है, आप उन्हीं के पीछे भागो। जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, वो हमारे साथ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।